तो आज हम एक नया एग्जांपल देखेंगे। हम एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं, हमारा एप्लीकेशन फोल्डर 21EL, और इस एग्जांपल फोल्डर को हम ओपन करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने एक जेएसपी पेज क्रिएट किया, index.jsp, और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम एक मैप क्रिएट करना चाहते हैं, हमने एक मैप वेरिएबल बनाया, हमने उसे एक हैश मैप ऑब्जेक्ट असाइन किया और हमने कहा map.put। यहाँ जो वैल्यू है हमारा वो है मान लो ABC 123, एंड इसी मैप में हमने फिर से एक रिकॉर्ड पुट किया, हमने कहा PQR और या MNO, कोई भी लिख सकते हैं आप, और हमने कहा 456। नाउ अब हम यहाँ पर किसी भी स्कोप में एक एट्रीब्यूट सेव कर सकते हैं। मैंने रिक्वेस्ट स्कोप में एक एट्रीब्यूट को सेव किया और एट्रीब्यूट का हम लोगों ने नाम रखा रिकॉर्ड्स, और इसका जो वैल्यू पेयर है ये हमारा मैप ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग को ये सीखना है कि अगर मान लो हमारे पास कोई ईएल सिंटैक्स है और हमने इसमें लिखा रिकॉर्ड्स, तो रिकॉर्ड्स मतलब क्या होगा? रिकॉर्ड्स ये हमारा, क्या ये कोई ईएल इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है? नहीं। तो क्या ये कोई स्कोप्ड एट्रीब्यूट है? यस yes. तो इसको मैं पहले प्रिंट करके दिखाता हूँ। हमने यहाँ पर एग्जांपल 21 को रन करके देखना है, 21_EL, और इस एग्जांपल में कुछ इश्यूज हैं। हाँ, यहाँ पर दिक्कत क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। मैप कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप एंड हैश मैप कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप। तो इसके लिए हमें ये करना होगा कि इम्पोर्ट स्टेटमेंट लिखना होगा हम लोगों को। तो हम लोगों ने पहले पेज डायरेक्टिव बनाया और इम्पोर्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, तो हमने कहा java.util.start। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जो मैप और हैश मैप यूज़ कर रहे हैं ये रिजॉल्व हो जाएगा। ना हम इसी एग्जांपल को वंस अगेन रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा मैप है वो प्रिंट हो गया। तो रिकॉर्ड्स क्या था? रिकॉर्ड्स एक एट्रीब्यूट का नाम था, रिकॉर्ड्स हमारे एट्रीब्यूट का नाम था। हाँ, उसका वैल्यू पेयर क्या था? एक मैप ऑब्जेक्ट। तो जब हम लोगों ने ईएल सिंटैक्स लिखा तो ईएल हमें अलाउ करता है कि ईएल इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट के अलावा आप किसी भी स्कोप में बनाए हुए एट्रीब्यूट का नाम यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो। उसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पर स्टेप होगा वो ये है कि अगर मान लो हम लोगों ने यहाँ लिखा रिकॉर्ड्स डॉट और हमने इस मैप का किसी की का नाम लिया जिसे हमने कहा ABC, तो ऑब्वियसली इस ABC नाम के की से जो वैल्यू पेयर है 123 आपको मिल जाएगा। तो रिकॉर्ड्स मतलब मैप, और मैप में हमने कहा ABC नाम का की जो है उसका रिकॉर्ड को रीड करो और वो आएगा 123। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। हमने इस पेज को जैसे रिफ्रेश किया आपने देखा जो आउटपुट है वो आपको शो हो रहा है। हमने यहाँ पर फिर से इसे एक्सेस करना है, बस इस बार हमारा तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा रिकॉर्ड्स और हमने स्क्वायर ब्रैकेट में सिंगल कोट या डबल कोट में ABC लिखा, ठीक है। तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन है वो हमें देखना है। तो आप देख सकते हैं सेम वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है। वही बात जो आप डॉट के थ्रू कर रहे हैं वही बात आप स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू कैसे अचीव कर सकते हैं, इसके लिए हमने ये कोड बनाया। तो नेक्स्ट थर्ड आउटपुट आप देखेंगे, नोटिस करेंगे 123। नाउ उसके बाद अब हम लोगों के सामने जो चैलेंज है वो ये है कि अगर मान लेते हैं कि हमने लिखा रिकॉर्ड्स और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर सिंगल कोट का यूज़ नहीं किया और सीधे ABC लिख दिया तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर ये सिंगल कोट में या स्ट्रिंग फॉर्म में लिखा होता तब वो इस मैप का की के समान ट्रीट होता, पर क्योंकि ये सिंगल कोट में नहीं लिखा है तो वो दिखेगा कि ये या तो कोई ईएल इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है या फिर किसी स्कोप में एट्रीब्यूट। तो हमारे पास ABC नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं है, किसी भी स्कोप में हम लोगों ने ABC नाम का एट्रीब्यूट नहीं क्रिएट किया है। तो अब हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं और हम देखते हैं कि क्या ये ग्रेसफुली हैंडल होगा। यस, ये ग्रेसफुली हैंडल हो रहा है। तो अगर आपके पास मैप में की नहीं है वैसा तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब हम यहाँ पर नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं। तो हमने कहा तो फिर इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, इसका क्या मतलब है? तो इसे समझने के लिए हम लोगों ने एक और स्कोप एट्रीब्यूट बनाया, हमने कहा रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पर जो एट्रीब्यूट है उसका नाम हमने रखा
एबीसी, ठीक है, और उसके साथ जो वैल्यू पेयर है वो हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू एमिनो रखा। ये जावा है, स्क्रिप्टलेट है, इसलिए इसमें बराबर डबल कोट का यूज़ करना है, क्योंकि जो स्क्रिप्टलेट है उसके अंदर हम वही कोड लिखते हैं जो जावा में लिखना अलाउड है। तो यहाँ पर इस तरह से आपने एट्रीब्यूट बनाया एबीसी नाम से, और क्योंकि मैंने बताया कि जब आप स्क्वायर ब्रैकेट में सिंगल कोट या डबल कोट का यूज़ नहीं करते हो, और तब ऐसे केस में ये जो आपने एबीसी लिखा है वो क्या ट्रीट होगा, या तो किसी स्कोप में एट्रीब्यूट या फिर EL implicit object की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ABC नाम का कोई EL implicit object तो है नहीं। हाँ, लेकिन ABC नाम से एक एट्रीब्यूट ज़रूर है, तो उसका वैल्यू पेयर क्या है, MNO। तो इस ABC की जगह पर क्या रिजॉल्व हो जाएगा, इस ABC की जगह पर MNO, ये जो उस एट्रीब्यूट की वैल्यू है रिजॉल्व हो जाएगी। और क्योंकि ये मैप है तो उसमें हम देखेंगे कि MNO नाम का की है क्या, अगर हाँ तो उसका वैल्यू आपको वहाँ पर शो होगा। तो अभी मैं यहाँ पर वापस प्लेन ABC लिख देता हूँ, लास्ट टाइम ग्रेसफुली रन हुआ और कोई भी एरर नहीं आया था। तो अब लेकिन इस बार हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे 456 जो कि डिज़ायर्ड आउटपुट है, ठीक है। तो इस तरह से जब आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखते हैं अगर उसको सिंगल कोट में नहीं लिखोगे तो वो क्या ट्रीट होगा, ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा। इस वीडियो में इतना ही।